नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास एक और कमेंट आया था, इन्होंने कमेंट में लिखा हुआ है, 300 लोगों के लिए शादी में दावत करनी है, कितना खर्चा आएगा? इन्होंने 300 लोगों का प्रोग्राम करना है, उसमें कितना खर्चा आएगा? इन्होंने बोला गोलगप्पे, दही बल्ले, चाउमीन, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और मटर पनीर की सब्जी, रायता, मिक्स पकोड़े और साथ में सलाद और रोटी चावल बोला है, तो इसका कितना खर्चा आने वाला है ये हम देखने वाले हैं। और मैं एक-एक चीज़ आपको दिखाऊंगा जो कि इनका खर्चा क्या है ये हम देखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने तीन स्टॉल उठाई हैं जो कि गोलगप्पे की स्टॉल है, गोलगप्पे की स्टॉल है, दही बल्ले की और चाउमीन की स्टॉल है। इनका खर्चा देखने वाले हम, इनका क्या खर्चा आएगा और हमने क्या क्या एस्टिमेट बनाया है। जैसे कि गोलगप्पे के लिए जो हमारा एस्टिमेट रहेगा वो मैंने यहाँ पर एस्टिमेट लगाया है, 300 लोगों के लिए मैक्सिमम 5-6 किलो सूजी लगने वाली है, तो मैंने यहाँ पर 5 केजी सूजी लगाई है, 5 केजी सूजी, 5 केजी जो सूजी है, सूजी फिलहाल 40 रुपये किलो चल रही है, 4 × 5 = 20, 20 200 रुपये मैंने सूजी का लगाया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लगाया है 2 केजी इमली, 2 केजी इमली, 2 केजी इमली, इमली का रेट मैंने यहाँ पर लगाया है 60 × 120 रुपये, 120 रुपये मैंने इमली के कर दिए हैं। और सोडा, सोडा मैंने लगाया है 10 रुपये का सोडा, जो कि यहाँ पर पतासे के अंदर डालते हैं तो सोडे की भी आवश्यकता होती है, 10 रुपये मैंने सोडे का लगाया है। और 10 ग्राम लाल रंग लगाया है, 10 ग्राम लाल रंग लगाया है और 10 रुपये मैंने इसके लगा लिए रंग 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 लाल क्यों लगाया है? चटनी बनाने के लिए हरा रंग लगाया है, हरा रंग रंग का मैंने यहाँ पर 10 रुपये लगाया है। और पीला रंग ना, पीली मिर्च लगाई है मैंने 120 रुपये, पीली पीली मिर्च मिर्च का मैंने यहाँ पर लगाया है 120 रुपये। ये 100 ग्राम होगी, 100 ग्राम पीली मिर्च। जल जीरा लगाया है मैंने 1 पीके जल जीरा, जल जीरा ये मैंने, एक जल जीरा का जो प्राइस है यहाँ पर लगाया है मैंने 100 रुपये, 100 रुपये जल जीरा का लगाया है। और एक पैकेट मैंने काली मिर्च लगाई है, 100 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम काली मिर्च, काली मिर्च मिर्च का मैंने यहाँ पर 110 रुपये काली मिर्च का रेट लगाया है, 110 से। इसके अलावा मैंने यहाँ पर नमक, जो सफ़ेद नमक होता है, तो सफ़ेद नमक का मैंने यहाँ पर 20 रुपये लगाया है नमक। और मैंने यहाँ पर लगाया है बूरा, 2 केजी बूरा, 2 केजी बूरा, बूरा का जो प्राइस है मैंने यहाँ पर 60 रुपये लगाया है, 60 × 120, 120। और मैंने यहाँ पर हींग लगाई है 20 ग्राम हींग, 20 ग्राम हींग, हींग का मैंने यहाँ पर 40 रुपये लगाया है। और 10 लीटर रिफाइंड लगाया है पतासे बनाने के लिए, 10 लीटर रिफाइंड, रिफाइंड 10 लीटर रिफाइंड का 130, 1300 रुपये मैंने यहाँ पर रिफाइंड का लगाया है। गैस, गैस खर्चा मैंने यहाँ पर 1/2, यानी कि आधा सिलेंडर लगाया है, 1/2 गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर यानी कि 500 रुपये की मैंने यहाँ पर गैस खर्चा लगाया है, गैस।
गैस खर्चा। और मैंने यहाँ पर फैंसी डोने लगाए हैं, जो पतासे खिलाने के लिए फैंसी डोने होते हैं, 600 पीस फैंसी डोने लगाए हैं, जो कि हमारा प्रोग्राम था वो 300 लोगों के लिए है। एक आदमी यदि दो डोने भी खराब करेगा तो हमारे 600 डोने आसानी से लग जाएंगे। मैंने यहाँ पर फैंसी डोने का जो प्राइस है 200 रुपये लगाया है। जो ये हमारा टोटल प्राइस था वो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, 2850 रुपये हमारे पतासे के बन जाते हैं, जो सूजी के पतासे बनाने के लिए 300 लोगों में। इसके अलावा यहाँ पर हमारे रह गए दही बल्ले। दही बल्ले के लिए बल्ले 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 2 केजी मैंने यहाँ पर दाल लगाई है, 2 केजी दाल 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 जो कि ये पीले वाली दाल है, पीले वाली दाल का 60 दुनी 120 रुपया लगाया है मैंने। और 1/2 केजी केजी यहाँ पर जो उड़द की दाल है, ये धुली हुई सफेद सफेद दाल है, सफेद दाल का मैंने यहाँ पर 60 रुपये रेट लगाया है, जो कि मैक्सिमम 100 से 120 रुपये दाल चल रही है। कोई 118 रुपये, कोई 126 रुपये, कोई 105 रुपये, इस प्रकार से दाल का फिलहाल रेट चल रहा है। और एक डब्बी मैंने बेकिंग पाउडर लगाई है, एक डब्बी बेकिंग बेकिंग किंग बैकिंग का मैंने यहाँ पर 40 से 30 रुपये मैंने यहाँ पर बैकिंग का प्राइस लगाया है। और मैंने एक नमक की पैकेट लगाई है, नमक नमक का मैंने यहाँ पर लगाया है 20 रुपये, 20 रुपये नमक के हो गए हमारे। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर लगाया है 50 ग्राम लाल मिर्ची, 50 ग्राम लाल मिर्च, मिर्च का मैंने यहाँ पर लगाया है 30 रुपये, 30 रुपये। और हींग मैंने 20 ग्राम, 20 ग्राम हींग 40 रुपये, हींग का 40 रुपये लगाया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लगाई है इमली, 1 केजी इमली, 1 केजी इमली, इमली का जो प्राइस है मैंने 60 रुपये लगाया है। और पालक लगाई है मैंने 3 केजी पालक, 3 केजी। जो ये इमली है ये दही बल्ले की लाल चटनी बनाने के लिए है। और 3 केजी पालक है, पालक का जो यूज करेंगे हमें हरी चटनी बनाने के लिए। पालक का यहाँ पर मैंने रेट लगाया है 300 रुपये, 300 रुपये पालक पालक के। और 15 केजी यहाँ पर मैंने दही लगाई है, 15 केजी दही, दही का जो प्राइस है 850 रुपये लगाया है मैंने। जो एक पीपा दही का है वो 850 रुपये का आपको आसानी से मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पर लगाया है 5 लीटर रिफाइंड, 5 लीटर लीटर रिफाइंड, रिफाइंड का जो प्राइस मैंने यहाँ पर लगाया है 130, 30,650 रुपये, 650। जो दही बल्ले खिलाने के लिए कटोरी होती है हमारी, 600 कटोरी लगाई है, 600 पीस कटोरी, कटोरी का मैंने यहाँ पर 250 रुपये लगाए हैं, 250 रुपये। और 3 केजी मैंने चीनी लगाई है, जो कि वो लाल चटनी बनाएंगे उसमें यूज करने के लिए, 3 केजी चीनी, चीनी का जो प्राइस है मैंने 3 चौक 12, 120 रुपये लगाए हैं। और पिसाई, जो कि हमारी दाल की पिसाई और पालक की पिसाई करनी होगी हमने, उसके मैंने यहाँ पर 200 रुपये रेट लगाया है, 200 रुपये पिसाई, पिसाई का जो टोटल खर्चा हमारा है
3350, 3350 रुपये हमारा टोटल बन जाता है। और अगली ओर बढ़ के देखते हैं हमारा चौमिन का खर्चा। चौमिन का खर्चा हम लगाने वाले हैं, मैक्सिमम 10 केजी चौमिन लग जाएगी, 10 केजी चाउमीन। चाउमीन का मैंने यहाँ पर जो 1 किलो चाउमीन है उसका रेट लगाया है 50 रुपये। 50 रुपये लगाया है तो 500 रुपये मैंने यहाँ पर चाउमीन के कर दिए हैं। और मैंने अजीना मोटा होता है जो एक मसाला होता है अजीना, 200 ग्राम अजीना लगाया है। 200 ग्राम अजीना, अजीना का जो प्राइस है मैंने यहाँ पर लगाया है 100 रुपये। जो कि कई बार क्या होता है जो मसाले का रेट होता है वो फिक्स नहीं होता, बानिए कभी कहीं पर कुछ रेट लगा देते हैं, कहीं पर कुछ रेट लगा देते हैं। जो हमें रेट मैक्सिमम अनुमान होता है वही अनुमान के अनुसार लगा लेते हैं रेट हम। यहाँ पर नमक लगाया है मैंने, नमक मिर्च हल्दी, जो भी नमक मिर्च और मसाले की आवश्यकता है जो चौमिन का मसाला बनाएंगे उसका मैंने यहाँ पर 100 रुपये खर्चा लगाया है। 100 रुपये खर्चा लगाया है मैंने यहाँ पर मसाला, मसाला खर्चा 100 रुपये लगाया है मैंने। और 3 लीटर रिफाइंड लगाया है मैंने यहाँ पर चौमिन बनाने के लिए, चौमिन का 3 लीटर रिफाइंड लगाया है, लीटर रिफाइंड। रिफाइंड का जो प्राइस है मैंने यहाँ पर 390 रुपये लगाया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 3 केजी बंद गोभी लगाई है, 3 केजी गोभी का जो प्राइस है मैंने यहाँ पर 150 रुपये लगाया है। 150 रुपये ये मैक्सिमम अनुमान पर लगाते हैं हम रेट, मंडी में रोज का रेट अलग अलग रहता है। और 3 केजी शिमला मिर्च लगाई है, 3 केजी शिमला मिर्च का जो प्राइस है मैंने यहाँ पर 180 रुपये लगाया, 6 18, 180 रुपये। और 2 केजी प्याज लगाई है, 2 केजी प्याज, प्याज का जो प्राइस है मैंने यहाँ पर 60 रुपये लगाया, 30 रुपये केजी। और काला सिरका का जो प्राइस है मैंने यहाँ पर 110। और मैंने यहाँ पर सफेद सिरका का जो प्राइस है मैंने यहाँ पर 90 रुपये। और मैंने यहाँ पर 4 लीटर, 4 टमाटर सॉस की बोतल, 3 टमाटर सॉस का मैंने यहाँ पर 400 रुपये लगाया है, 400। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर 600 चाउमीन पंजा, 600 पीस पंजा चाउमीन पंजे का मैंने यहाँ पर चाउमीन पंजे का मैंने यहाँ पर 100 रुपये रेट लगाया है। और 600 पीस यहाँ पर मैंने कटोरी, चाउमीन की कटोरी यहाँ का मैंने 300 रुपये रेट लगाया है। जो ये हमारा टोटल खर्चा बन जाता है, टोटल खर्चा यहाँ पर 2480 रुपये हमारा टोटल खर्चा बन जाता है, 2480। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मैंने गैस सिलेंडर का खर्चा भी लगाया है और 500 500 रुपये ये और ऐड इनमें कर सकते हो, 500 रुपये मैंने इसमें ऐड किए तो लगभग 3000 रुपये हमारे सटाल के खर्चे बन जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमारी है ये जो 3350 रुपये और 500 रुपये ऐड कर देंगे तो लगभग 3800 रुपये हमारे बन जाएंगे। गुजारिश करते हैं कि आज के लिए इतना ही काफी। जो एक नेक्स्ट नेक्स्ट जो पार्ट है आपका अगली वीडियो में मिलेगा। और एक वीडियो मैंने दो पार्ट बनाए हैं इसके,
और एक पार्ट और देख लेना, 300 लोगों के लिए जो पूरा खाना है वो आपको एक वीडियो में मिलेगा। आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।